ये जिंदगी भी एक किताब की तरह है, बहुत सारी कहानियां मिलके एक कहानी बनाती है। कभी रोने का मन करता है, कभी मुस्कुराने का, कभी जिंदगी जीने का मन करता है, कभी बहाने बनाने का। एक किताब की तरह बहुत सारे पन्ने होते हैं इस लाइफ के, जिसमें छोटी छोटी कहानियां चलती रहती हैं। नए नए लोगों से मिलना, उनका फिर चले जाना, कुछ का रुकना और कुछ से नफरत हो जाना, ये सब छोटी छोटी कहानियां हैं जो मिलके हमारी जिंदगी की एक पूरी कहानी बनाती हैं। इस किताब को पढ़ते पढ़ते आप रुक नहीं सकते, फिर चाहे वो कितनी भी खास कहानी क्यों ना हो। ऐसे ही हमारी लाइफ में कुछ लोग मिल जाते हैं जो बेहद करीब आ जाते हैं हमारे, लेकिन उनकी कहानी पूरी नहीं है, उतनी ही है जितना पहले से किसी ने लिखा है। हमें जिससे प्यार हो जाता है ना, उससे अलग होने का मन नहीं करता। बात सही है, लेकिन हमारी लाइफ की किताब में अगर वो कहानी बस उतनी ही हो, अधूरी है तो सिर्फ हमारी तरफ से। लोगों का आना और जाना अलग अलग कहानियां हैं। कुछ कहानियां हमें बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ शायद नहीं, लेकिन ये वक्त किसी भी कहानी के लिए नहीं रुकता। तुम्हें किताब के अगले पन्ने पर जाना ही पड़ता है, बिना ये जाने कि वो कहानी अधूरी है या पूरी, वो इंसान अधूरा है या पूरा। मैं मानता हूं जिंदगी के सफर में अगर आपको किसी से प्यार होता है ना, तो आप उस इंसान के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ जायज होता है। लेकिन तुम्हारी किताब में उसकी कहानी अगर अधूरी हो, तो वो पन्ना या वो कहानी या वो इंसान रुकेगा नहीं, वक्त रुकेगा नहीं, तुम्हें अगला पन्ना पलटना ही पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी किताब, तुम्हारी कहानी पूरी करनी ही पड़ेगी। ऐसे में जिनसे प्यार करो ना, या तुम्हें जो भी चैप्टर अच्छा लगा हो तुम्हारी लाइफ का, तो उसका पेज नंबर याद रखना, उसकी कहानी याद रखना, उस चैप्टर से तुमने क्या सीखा ये याद रखना। रोने का मन करे तो रो लिया करो, अक्सर खुश होने से पहले रोना भी जरूरी है, नहीं तो पता कैसे लगेगा खुश होना कितना खूबसूरत है। सबकी किताब, सबकी कहानी पूरी है, सबकी कहानी अधूरी है, बस एक नजरिया चाहिए देख पाने का कि वो किसके लिए और किसके साथ पूरी है, या किसके बिना और किसके लिए अधूरी है। बस एक नजरिया चाहिए देख पाने का।